प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छोटे प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, दोहरा रेखा पद्धति के सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? लुकास पेशियोली, लुकास पेशियोली, लुकास पेशियोली ऐसा विद्वान व्यक्ति था जिसने डबल एंड सिस्टम दोहरा रेखा पद्धति का सिद्धांतों का वर्णन किया। दोहरा रेखा पद्धति पर सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाला कौन थे? एडवर्ड जॉन, एडवर्ड जॉन। व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यवसाय का स्वामी जो धनराशि डालता है उसे क्या कहते हैं? पूंजी, कैपिटल, पूंजी कैपिटल। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता के नाम जो स्थिति में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बहुत सारे पत्रकारों में उपयोगी होते हैं, लेकिन जो आंतरिक पत्रकार है उसमें आता है स्वामी, व्यापार का स्वामी, प्रबंधक वर्ग, कर्मचारी जो कार्मिक होते हैं, कंपनी व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी, ये आपके आंतरिक पत्रकार कहलाते हैं, जिनके लिए ये जो लेखांकन जो स्टेटमेंट होते हैं, भरपूर इस बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो उपयोगी इनके लिए। लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता पक्षकारों के नाम इसमें है देनदार, ग्राहक हमारे, कॉमा लेनदार, सरकार, निवेशक, निवेशक आदि। ये बार बार होते हैं, लेनदार है, सरकार है, निवेशक है, बैंक वित्तीय संस्था है, ये सब में नाम लिखते हैं, बैंक आदि। चालू परिसंपत्तियों के चार उदाहरण दीजिए, यानी करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं? कैश, नंबर 2 डेटर्स, ये चालू संपत्तियां हैं जिनका वास्ता 1 वर्ष की अवधि से होता है, डेटर्स, स्टॉक, बी आर डिसोसिएबल, ये करंट एसेट्स है। उसी प्रकार से नंबर 5 प्रिपेड एक्सपेंसेस, प्रिपेड एक्सपेंसेस पूर्व व्यय। स्थायी परिसंपत्तियों के चार उदाहरण दीजिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी या फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं, दीर्घकालीन अवधियों से आप निवेश करते हैं बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। क्वेश्चन आप अमूर्त संपत्तियों के चार उदाहरण दीजिए, एक होता है टेंजिबल मूर्त, एक होता है इनटेंजिबल अमूर्त, जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन उसका मूल्य होता है। इसमें आपका आएगा गुडविल, ख्याति, पेटेंट, कस्टम, कॉपीराइट, प्रतिज्ञा अधिकार, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह, नो हाउ, प्रतिज्ञा ज्ञान भी होता है। तो अमूर्त संपत्ति गुडविल, ख्याति, पेटेंट, कस्टम, कॉपीराइट, प्रतिज्ञा अधिकार, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह। आगे व्यय के चार उदाहरण, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, रिपेयर्स आदि। पूंजीगत व्यय के चार उदाहरण, पूंजीगत व्यय ऐसे होते हैं जिन लोगों का संबंध 1 वर्ष से अधिक अवधि होता है, जिनके तरह करने का उद्देश्य व्यापार की क्षमता में वृद्धि करना होता है,
इसके उदाहरण हो सकते हैं आपके फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार आदि। दोहरा लेखा पद्धति का जन्म किस देश का हुआ? इटली। इटली एक देश जिसके उनके प्रतिभाओं ने दोहरा लेखा पद्धति का है वो सिद्धांत प्रतिपादित किए। यदि खर्चे का लाभ 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मिलता है तो कौन सा लेख रहता है? इसलिए जिन देश का संबंध 1 वर्ष से अधिक होता है लाभ प्राप्त होता है वो कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, यदि खर्चे या व्यय का लाभ 1 लेखांकन वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है वो होता है तो वह कौन सा व्यय होता है? आय व्यय, रेवेन्यू। आय व्यय, आय व्यय का अर्थ होता है ऐसे व्यय जिन व्यय का संबंध 1 वर्ष के अधिक होता है जिस व्यापार की क्षमता को बनाए रखने के लिए की जाते हैं उसको आप आय व्यय कहते हैं। व्यापारिक बटी की विशेषता, नंबर 1 बिक्री बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए सूची मूल्य पर दिया गया बट्टा, दी गई छूट। और नंबर 2 व्यापारिक बट्टे का लेखा, व्यापारिक बट्टे का लेखा लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। याद रखें व्यापार बट्टे को विश्व का बिक्री बढ़ाना और सूची में दिया जाता है प्राइस और इसका लेखा लेखा उसको नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दीर्घकालीन देयताएं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के 4 उदाहरण देखिए। दीर्घकालीन दायित्व होते हैं जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक अवधि होती है। इसके अंदर बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, बैंक लोन, बैंक ऋण, डिबेंचर, ऋण पत्र कंपनी के द्वारा जारी की गई डिबेंचर, स्मृति ऋण पत्र, ये कंपनी की वित्तीय व्यवस्था में काम आता है ऋण पत्र, मोर्गेज लोन, मोर्गेज लोन, बैंक लोन, डिबेंचर, मोर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट 1 वर्ष से अधिक के लिए दी जाती है। जन निक्षेप होते हैं, इसमें जन निक्षेप, अल्पकालीन दायित्व के 4 उदाहरण दीजिए। क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया बिल, लैंडलॉर्ड, दे बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट बकाया बिल। शीघ्र भुगतान करने पर देय राशि में एक कटौती, छूट, डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, रोके बटा, कैश डिस्काउंट या रोकड़ी बट्टा या रोकड़ी छूट। लेखांकन की 3 प्रमुख शाखाएं, 3 जो ब्रांचे हैं अकाउंटिंग की, नंबर 1 वित्तीय लेखांकन, नंबर 2 लागत लेखांकन, नंबर 3 प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध
लेखांकन अकाउंटेंसी के अंदर तीन मेन आपका है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दान में माल देते समय कौन सा खाता जमा किया जाएगा? एंट्री होती है चेक अकाउंट या फिर पर्ची डेज, तो सीआरबीसी बनके पर्ची डेज अकाउंट, जो माल 25 की है उसको कमी आती है, पर्ची डेज अकाउंट मेरे करे खाते। व्यवसाय में लेन देन किस क्रम में लिखे जाते हैं? कार्य क्रम के अनुसार, कार्य क्रम अनुसार जिस तारीख को जो लेन देन होता है, तारीख को होता है, व्यवहार होता है, उस तारीख को टाइम के अनुसार तारीख वाली तिथि वाली लिखा जाता है। डूबत ऋण की राशि पुनर्प्राप्त होने पर किस खाते को सीआर जमा किया जाता है? डूबत ऋण वसूली खाता, डूबत ऋण वसूली खाता, डेटर्स रिकॉर्ड डेटर्स रिकॉर्ड डेटर्स रिकॉर्ड अकाउंट। उधार माल खरीदा बैलेंस दीजिए, 25 अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स, 25 अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स या कायगत में है और लेदा देने वाले हैं, व्यक्तिगत खाता है पाने वाले को डीआर को, देने वाले को सीआर, लेदा सीआर करेंगे उस पार्टी को जिनसे माल उधार कर। उधार माल बेचा कैंडी देंगे डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। व्यापार के स्वामी ने घरेलू मोटर का व्यापार में लगा दी, बिजनेस को सौंप दी, कोई भी डोमेस्टिक घरेलू एसेट होती है बिजनेस को सौंप दी, उसकी पूंजी बनाएगी। मोटर का अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, व्यापार के स्वामी की पूंजी बढ़ेगी और व्यापार में एसेट बढ़ेगी। बैंक ने व्यापारी की जमा पर ब्याज लाभांश वितरित किया, आपका व्यापारी का बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, उसका निवेश कर रखा है, वो इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, तो बैंक जमा करेगी बैंक व्यापारी के खाते में, अपन एंट्री करेंगे व्यापारी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट टू डिविडेंड। लास्ट नंबर 26, बीमित माल 1 लाख रुपए का आपसे भरा, बीमा कंपनी ने 60,000 का दावा स्वीकार किया, कैसे होगी? जो इंसोल्ड गुड्स है जनरल डेडिशन हो गया और बीमा कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया 60,000 का, वो रिमेनिंग जो 40,000 है आपका गुड्स है, इसमें होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर 60,000। जो बाकी लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर हमें मानी पड़ेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर 40,000। जो माल जला है, जो माल 25 किया है उसी का हमने इंश्योरेंस पर रखा है, गोदाम में आग लगी जला, तो 225 जो माल 25 की उसमें कमी है 225। हाँ ये आपके कुछ छोटे क्वेश्चन है, कल एक लास्ट और वीडियो इस पर लेंगे कुछ छोटे क्वेश्चन, और नेक्स्ट है अगला एक दिन बाद है उन्हें चौक करेंगे। धन्यवाद।